तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। सॉरी आप सब बढ़िया होंगे क्योंकि आप हमारी फैमिली है। तो आप सबको स्वागत है सैन्य एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। तो आज हम 555 आरपीएम मोटर की एक ख़तरनाक जनरेटर बनाने वाले हैं। आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार का जनरेटर है और ये हमारे एक बल्ब को 9 वाट का या कितना वाट का बल्ब को जला देता है और फ़ोन चार्ज कर देता है। और ये हमारी प्रॉब्लम में आसानी करेगा हमें फ़ोन चार्ज करने के लिए। और कभी भी हमें उजाला चाहिए तो हम उजाला कर सकते हैं इससे 12 वाट देकर आराम से। तो आओ स्टूडियो चलते हैं। तो इस वीडियो में सबसे मेन चीज़ ये हमारी वाटर पंप, हमारे कूलरों के अंदर आता है वाटर पंप। आपको नया नहीं लेना है, बिल्कुल पुराना में थोड़ा अच्छा कंडीशन में होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छा है। इसे तो देखे कुछ नाम से कुछ सामान टूटे हुए हैं इसके। इसको इस प्रकार से चिपकाना है और इसके अंदर लगाना है। और इसके अंदर एक रोड आती है, वो नहीं है तो हमारे पास जो पुरानी रोड उसको काटना है आपको दो हिस्सों में। एक तो निकनिक सी ये इसके अंदर लगेगी बिल्कुल, जिसकी सहायता से अंदर ऐसे रुक जाएगा। और इस मुंह को आपको अंदर चिपका देना है इसके अंदर। और एक पीस और मैं बता देता हूँ आपको, एक पीस कुछ इतना सा है। और यहाँ पर हमें चाहिए 12 वाट की मोटर 555 आरपीएम या 775 आरपीएम भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगी वो। तो वो मोटर ऐसे लगेगी कुछ इस प्रकार से और ये घूमेगा तो इसके सहायता से ये भी घूमेगा अंदर का अंदर ही। तो इसके करंट बनेगा, जो यहाँ पर वो वायर है उससे मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनकर बाहर आएगा। कितना आएगा मुझे नहीं पता। पहले हम इसको लगाने के लिए आपको एक लकड़ी का पीस कुछ देखिए, कुछ इतना ज़्यादा काटा मैंने इसको, कुछ इस तरह रखकर इसको कुछ ऐसे रखकर अच्छे से बिल्कुल स्क्रू घस देंगे। और इसको पहले अंदर लगा देते हैं आपको बताने के लिए। ये एक इसके अंदर लग जाएगा और एक ये इसको यहाँ पर चिपका देंगे और जिससे यहाँ से ये मोटर लग जाएगी इस प्रकार। और ये जैसे ये घूमेगा ये चिपका रहेगा, ये भी इसके साथ ही साथ ये ऐसे घूमेगा और एक करंट बनाएगा धीरे धीरे। उसको चिपकाने से पहले हमें मोटर को लगाना कुछ इतना ऊपर लगाना है। इतना ऊपर लगाने के लिए मोटर को हमें कुछ इतना ऊपर रखना होगा। उसके लिए पहले मैंने लकड़ी के पीस काट लिए हैं और चिपका लिए। ये देखिए कुछ इस प्रकार से रख देगा ये और इस तरह ये मोटर अच्छे से लग जाएगी। ये देख सकते हैं बिल्कुल नाप चौक के काटा मैंने इस तरह। और इसको इसका रखकर एक पीवीसी पाइप को बिल्कुल पतला काट कर हीट कर इस प्रकार रख देंगे और यहाँ से बैंड कर देंगे और यहाँ पर भी स्क्रू खस देंगे। तो पहले हम उसको अंदर चिपका लेते हैं इस पीस को इसके अंदर। आपको आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा, आप समझे ना समझे तो हमें कमेंट कर दें, मैं आपको वापस समझा दूंगा, सिर्फ आपके लिए वापस समझा दूंगा। तो पहले इसको अंदर चिपका लेते हैं, ये ऐसे तरफ जाएगा नहीं हमारा हाथ इसके अंदर। तो कैसे इसको लगाना होगा अंदर, मैं लगा देता हूँ आपको बाद ही बताऊँगा। ये बिल्कुल इसके अंदर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, दिख जाए तो देखिए इसके अंदर चिपका दिया बिल्कुल। और इसको भी चिपका दिया, ये देख सकते हैं आप इसको भी चिपका दे रही है। वो पीस कटा हुआ ना जो इसके अंदर अच्छे से लग जाएगा और वो इस पर चिपका हुआ इसलिए अच्छे से घूम सकता है। और इसको इसके साथ चिपका दिया है ये देखिए। और ये वो पीस इसके मैंने बिल्कुल आल पार होल कर दिया है इसके हिसाब से, ये देखिए कुछ इस प्रकार से लग जाएगा। और ये देखिए ये अच्छे से घूम रहा है। और इसको हमको इस पर अच्छे से असेंबल कर देते हैं और ये लगेगी यहाँ पर हमारी मोटर 12 एम्पियर 555 आरपीएम की। आपको अच्छी वाली मोटर लेनी है वरना आप छोटे मोटर से ये लोड नहीं ले पाएगा इतना, नहीं घूमेगा। ये देखिए टाइट नहीं कसने आया बिल्कुल, देखिए टाइट कस दिया बिल्कुल अच्छे से। वो भी घूम रहा है अंदर, ये घूम रहा है देख सकते हैं आप, दिख रहा है तो आपको। और बिल्कुल इस प्रकार से आपको यहाँ पर लगा देना बिल्कुल अच्छे से, जिससे अच्छे से अच्छा से अच्छा करंट बनाएगा। इसको ऐसे करके यहाँ से पीवीसी पाइप को हीट करके यहाँ पर लगा कर आपको दिखा देता हूँ बिल्कुल में बिल्कुल अच्छे से। पीवीसी पाइप को यहाँ पर थोड़ा पीस हीट करके लगा दिया और स्क्रू कस दिया दोनों तरफ। और इसके भी ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मजबूत से और अच्छे से चल रहा है, बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए अच्छे से। और इसके वायर पर हम सीधा लगाएंगे, एक तो हमारा चार्जर
और ये एक होल्डर, इसको पहले हम लगा देते हैं बिल्कुल सीधा ही। आपको बिल्कुल सच्चाई दिखाऊंगा मैं इस चैनल पे, आपको कभी भी फेक वीडियो नहीं मिलेगी, सब कुछ ओरिजिनल मिलेगी। मेरे पास मल्टीमीटर होता तो मैं आपको चेक करके बता देता कि ये कितना वोल्ट दे रही है। तो अभी दोनों दोनों वायर को यहाँ पर सीधा कैसे करके मैं लगा देता हूँ, टेप चिपका कर लगा देता हूँ। ये बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको चला कर दिखा देते हैं। इसके लिए चाहिए हमारा वो बोर्ड हमने बनाया, जो इसके अंदर 12 वाट चार्जर का सिस्टम है। तो हम इसमें वायर लगा देते हैं और मोटर की घूमने की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होनी चाहिए, घड़ी से अपोजिट इस तरफ। तो हम इसको वायर लगा कर एक बार चला कर दिखा देता हूँ मैं आपको कि अच्छे से चल रही है ये। और मोटर को ओनली 12 वाट से चलती है। आप कुछ आप सोचेंगे कि अत्यधिक वाट से चलती नहीं है 12 वाट। डायरेक्शन इस तरफ, तो हम इस डायरेक्शन इस तरफ कर लेते हैं इसका वायर उल्टा लगा कर, और देख सकते हैं इसकी आवाज़ कितनी है इस पर लगाए हुए हमने, इतना वाइब्रेशन करती है आप समझ सकते हैं। देखिए वायर में अब इसका डायरेक्शन बिल्कुल सही है। तो अब हम पहले इसको स्विच बंद कर देते हैं और वायर अच्छे से लगा देते हैं। दोनों वायर को अच्छे से लगा कर इसमें पहले एक छोटा बल्ब लगा कर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रहा वो छोटा बल्ब, पहले इसको इसके अंदर लगा देता हूँ बिल्कुल सीधा। और आप देख सकते हैं कहीं से भी दूसरा वायर नहीं आ रहा, आपको सब कुछ आपके सामने है। और मैं बिल्कुल ये पर फोन भी लगा देता हूँ आपके सामने, देख लो इसको उठाकर दिखा देता हूँ, कुछ नहीं है, सब कुछ आपके सामने आप देख सकते हैं इधर है। और अब इसको चालू कर रहा हूँ मैं, देखना आप फोन को बंद कर देता हूँ वापस, आप देखना सब कुछ चालू हो जाएंगे वापस। ये देखिए कुछ करंट ये चार्जर फोन में दे रहा है, इसलिए ये थोड़ा स्लो हो गया है। वापस दे मैं जैसे अब चार्जर को हटा देता हूँ तब लट्टू थोड़े अच्छे चलेगा। आप देख सकते हैं लट्टू अच्छा से चल रहा है बिल्कुल। अब हम इसमें कुछ बड़ा लट्टू लगा देते हैं। तो मैं पहले जो हमारा मेन लट्टू चल रहा है उसकी जगह छोटा लट्टू लगा देता हूँ, क्योंकि हमारी एक ही लट्टू है। तो हम लट्टू चेंज कर देते हैं पहले, ये हमने बड़ा लट्टू लगा दिया, कुछ अंधारा हो गया होगा। पर अब इसको चलाकर दिखा देता हूँ। इस मोटर में हम 775 RPM मोटर लेते थे, लट्टू बिल्कुल भी इसे बल बल नहीं करता और अच्छे से उतारा देता। आधा घंटे लेता है हमारा फोन, तो इसलिए ये बिल्कुल जल नहीं पाता। और मुझे नहीं पता है कितना वोल्ट दे रही है, क्योंकि हमारे पास मल्टीमीटर नहीं है, पर ये अच्छा वोल्ट दे रही है, इसलिए लट्टू चल रहा है और फोन चार्ज हो रहा है। ऐसी वीडियो देने के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। और आप देख सकते हैं कहीं पर भी दूसरा वायर नहीं है, आपको सबको अच्छे दिखा देता हूँ।